Assalamu alaikum, student. Today we are going to cover Ghazal, Not Me Alone by Sheikh Ayaz. Sheikh Ayaz is a Sindhi poet and this is translated by Asif Farooqi and Shah Muhammad Pirzada. We will cover summary and catch an answer. Start with the summary. Sheikh Ayaz is a Sindhi poet who brought innovation in Sindhi poetry. As we know that this poetry is written in Sindhi language, but it is translated by Asif Farooqi and Shah Muhammad Pirzada. अगर हम इस poetry को देखें तो ये poetry किस चीज़ को represent करती है? The patriotic sympathy toward his country, ठीक है? तो वो एक patrioticness दिखाते हैं इस poetry के through जो कि उनके country से है. He says, in the defense of my country, 1,000 innocent people are killed or died, not me alone, ठीक है? As the poem says, not me alone. So वो क्या कहते हैं कि अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए उनके जो हजारों लोग जो हैं वो अपने आप को खत्म कर देते हैं और अपने कंट्री को डिफेंड करते हैं, ठीक है? As well as he emphasized the pain and tears of innocent people, he said their tears were dropping from their eyes like dew, but they are not discouraged, ठीक है? तो उनका जो पेन दिखाया है, उनका जो टेयर्स दिखाए हैं, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ड्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन जो शबनम होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि वो इतने पेन में भी होते हैं लेकिन वो कभी भी डिस्करेज नहीं होते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द गजल, आयाज मेड हिज पोएट्री कलरफुल, ही टॉक अबाउट विद द मून. गजल है इसलिए वो अपनी पोएट्री को जो है ब्यूटिफुली वे में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वो इधर क्या बात कर रहे हैं? मून की बात कर रहे हैं. तो दैट रिप्रेजेंट द गजल्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? He said, do not stop me and bring the poison of the full moonlight. Indeed, it's not possible in real life. But these lines are about the beauty of ghazal, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं मुझे रोके नहीं, means वो क्या, वो जो night है, अब वो night represent कर रही है किसको? डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? लेकिन वो वहाँ पे फुल मून भी है और वो क्यों नहीं रुकना चाह रहे? बिकॉज वो अपने उस कंट्री को डिफेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? इन द लास्ट स्टैंजा गजल ऑफ गजल, आयाज स्क्रिप्चर इन आस इमेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है? तो अब उन्होंने जो लास्ट स्टैंजा के अंदर जो है एक ऑप्टिमिज्म दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने एक होप को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? वो क्या कहते हैं, ही सेड टू द एनिमी ऑफ हिज कंट्री दैट यू कैन स्टॉप और क्वाइट माय वॉइस बट हाउ कैन यू साइलेंस मिलियन ऑफ द पीपल हु आर राइजिंग देयर वॉइस, ठीक है? तो कह रहे हैं अगर आप मेरी वॉइस खामोश करवा भी देंगे तो लेकिन वो हजारों लोगों की जो इस कंट्री के लिए अपनी जान देते हैं, इस कंट्री में मौजूद हैं, उनकी वॉइस कैसे आप खत्म करेंगे, ठीक है? अगेन ही शो द होप For the people, he said there are thousands of possibilities that these difficult days will be passed and finally our turn will come and we will celebrate, ठीक है? तो इससे, इस poem से वो क्या represent करना चाह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हम वो दिन को celebrate करेंगे, ठीक है? तो इस poem के अंदर, इस गजल के अंदर शेख अयाज ने एक patriotic representation दिखाई है. Question answer की तरफ चलते हैं. Explain the form of गजल. सो गजल क्या है? एक पोइटिक फॉर्म है जो कि अरब से ओरिजिनेट हुई थी. गजल इज सॉफ्ट स्पोकन, लिरिकल एंड सिम्बॉलिक. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एलिगेंट फॉर्म आर्ट फॉर्म फ्रॉम ऑफ द ओरिएंट, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और लिरिकल सिम्बॉलिक गजल होती है, ठीक है? और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? अरब से ओरिजिनेट हुई थी. वट डज द पोइट मीन बाई डाइड विदाउट देयर दैट? हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोइट क्या कहते हैं, दे हैव डाइड विदाउट देयर डेथ, मीन्स कि वो स्पिरिचुअली अभी भी जिंदा हैं लेकिन फिजिकली वो क्या हमें नजर आ रहे हैं कि वो डेड हो गए हैं, लेकिन बाय स्पिरिचुअलिटी दे आर स्टिल अलाइव. द पोइट मीन्स बाय डाइड विदाउट देयर डेथ दैट पीपल आर फिजिकली अलाइव बट स्पिरिचुअली डेड, देयर सोल्स आर क्रश एंड दे हैव बिकम लिविंग कॉर्प्स, ठीक है? Why does the poet repeat the phrase not me alone? The poet repeat the phrase not me alone to emphasize that the thoughts he has expressed are not an individual idea but thousands of people are thinking on the same line, ठीक है? Means जो patriotism है वो सिर्फ एक individual person की voice नहीं है लेकिन वो जो हर country में जितने भी people होते हैं वो अपने मुल्क के लिए patriotism represent करते हैं, ठीक है? Who does the poet address when he say how many will you silence? The poet addressing the tyrants who have banned
The rights of the people and subjected people to suffer from injustice and high-handedness, ask how many they will be silent. ठीक है, तो वो उन जो उनके एनिमीज हैं उनको उन उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों को खामोश रख सकते हैं जिनके आपने राइट्स और जिनको आपने बहुत ज्यादा इनजस्टिस दिया हुआ है. ठीक है, उनकी जो है आपने बिल्कुल भी उनके ऊपर जो है हार्शनेस और फिर हर चीज को जो है बैन किया हुआ है. ठीक है, तो ये ज्यादा अरसे तक इनकी आवाज जो है बंद नहीं कर पाएंगे आप. देयर फायर विल रेक एक्सप्लेन द मोर द पीपल आर सप्रेस द स्ट्रॉन्गर दे रेक. ठीक है, मीन्स जितना ज्यादा लोगों को सप्रेस किया जाएगा उतना ही ज्यादा वो उसके रिएक्ट करेंगे अगेंस्ट. द फायर विल रेक means that people will strive harder to get their rights and ultimately succeed in their efforts. ठीक है, तो means क्या कहना चाह रहे हैं पोइट के, जितना ज्यादा आप उन्हें suppress करेंगे, जितनी ज्यादा hardness, जितनी ज्यादा आप उनको burdens देंगे, तो एक तो वो क्या करेंगे उसके लिए strongly react करेंगे और वो अपने rights के लिए efforts करेंगे और वो अपनी जो है succeed हासिल कर लेंगे. ठीक है, so this is about the ghazal. And student, we have finally completed our book, English for Undergraduate. You can find all the chapters, lesson summaries and exercises on our channel, Literature Official. So please do subscribe our channel. It will be very helpful because you can find all the chapters of this book. If you have any queries, please mention it in your comments and we will try our best to give your response. Thank you all.